माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के मामले में जांच के लिए आज बाराबंकी कोर्ट में सुनवाई हुई। वकील रणधीर सिंह सुमन ने एक बार फिर से कोर्ट से मुख्तार अंसारी की मौत के मामले में FIR दर्ज करने के निर्देश देने की गुहार लगाई। उन्होंने कहा, मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर सरकार और बांदा जेल प्रशासन के बयानों में विरोधाभास है। सरकार अस्पताल में मुख्तार को हार्ट अटैक से आने की बात कह रही है, जबकि बांदा जेल प्रशासन ने अभी तक जेल में दिल का दौरा पड़ने का दावा किया था। ऐसे में इस मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हो, जिससे मुख्तार अंसारी की मौत का पूरा सच सामने आ सके। आज बहस हुई, ठीक, और सरकार द्वारा जो लिखित बहस दाखिल की गई है उसमें साफ साफ लिखा है कि मुख्तार अंसारी की नसों में दर्द होने के कारण उनको बांदा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया और वहाँ इलाज के दौरान उनको हार्ट अटैक हो जाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। या तो जेल प्रशासन गलत बयानी कर रहा है या राज्य सरकार गलत बयानी कर रही है, और रिटर्न में राज्य सरकार ने न्यायालय में दाखिल किया है कि उनकी नसों में दर्द था और हार्ट अटैक बांदा मेडिकल कॉलेज में हुआ। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद भी जारी है।